नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। और इस समय जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो खासतौर पर जम्मू में पिछले कुछ दिनों में न केवल क्राइम का ग्राफ बढ़ा है बल्कि आतंकवाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जम्मू सिटी में की गई है। कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस इन सब चीज़ों पर काबू पा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ SSP जम्मू श्रीधर पाटिल साहब मौजूद हैं। सर, जम्मू लद्दाख विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो क्राइम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, चाहे वो चोरियां हों या फिर स्टैबिंग के मामले जो छोटे मोटे जो केसेस हुए, लेकिन चोरियां जो हैं एक सीरियस कंसर्न कहीं ना कहीं हर एक जम्मू वासियों के लिए बना है। किस तरह से इस पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? क्राइम की कई सारी वारदातें मीडिया के माध्यम से जम्मू में हाईलाइट हुई है और उसका संज्ञान हमने लिया हुआ है। जहाँ तक आपने कहा कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, उसमें आई डिफर। क्राइम का ग्राफ जम्मू में बढ़ा नहीं है, और अगर उसमें कोई देखना चाहता है तो उसके स्टैटिस्टिक्स देख भी सकता है। चोरियों के जो वारदातें हैं वो कई सारी जगह पे हुई है और उसमें कोई डिनायल नहीं है, हुई है। और उसके ऊपर के जो हमारे एफर्ट्स है वो उसी तरीके से हमने डबल किए हुए हैं। चोरी की जो रिकवरीज है उन रिकवरीज में 3 times मोर रिकवरी जम्मू पुलिस की आज की डेट में हो रही है। इसके साथ साथ जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में भी काम करते हुए ओवरऑल जो जैसे मंथली महीने में कितनी चोरियाँ होती थी उसके मुकाबले आज के डेट में वो नंबर कम हुआ है। जहाँ तक मैंने देखा कि जैसे किसी भी आदमी का मान लीजिए बाइक चोरी होता है या कोई घर में कोई छोटी मोटी चीज़ चोरी होती है, क्योंकि वो उसका पर्सनल लॉस है तो वो पिंच करना जायज़ है और उसका कहना भी जायज़ है कि ये रिकवर होनी चाहिए। रिकवर करने में किसी केस में 1-2 दिन में ही रिकवरी हो जाती है, किसी में 15 दिन, किसी में साल भी लगता है। पिछले साल तो ऐसा हुआ था कि हमने 2 साल पुरानी एक बिश्ना में चोरी हुई थी जिसमें 10-15 लाख का एवज लूटा हुआ था और राजस्थान का ग्रुप था जिसको पंजाब से हमने पकड़ा और 2 साल पुरानी चोरी को रिकवर किया था पुलिस स्टेशन बिश्ना में। सो टाइम डिफरेंस अलग अलग है कि कौन सी चोरी कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी। लोगों की उम्मीदें जो है वो उम्मीदें क्विक डिस्पोजल की होती है, पर्टिकुलरली चोरी में। कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें अदालत के इसमें नहीं पड़ना है, हमें आप हमारा जो भी चोरी हुआ है वो रिकवर करा के दे दो और ये केस इधर ही ख़त्म करो। सो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि लीगल वेज को अवॉइड किया जाए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक चोरी है या और भी जो क्राइम है उसको निपटने के लिए सक्षम टीम यहाँ पे जम्मू में है। मेरे SHOs हैं, मेरे SDPOs हैं जिन्होंने काफ़ी इसमें अच्छा सराहनीय काम किया हुआ है। हाल फिलहाल में जैसे आपने कहा कि आतंकवादी जो संगठन है उनकी तरफ से भी काफ़ी कोशिशें की जा रही है। जम्मू हमेशा ही आतंक के इसमें निशाने में रहा हुआ है, इससे पहले की भी वही हिस्ट्री रही हुई है। हमारी जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो काफ़ी एक्टिव है, उसके अलावा हमारा जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी एक्टिव है, जिसके बदौलत काफ़ी सारी रिकवरीज यहाँ पर की जा रही है। और एक बड़ी घटना को अंजाम देने का जो एक प्रयास था वो प्रयास भी हमारी जो इंटेलिजेंस और साथ ही साथ हमारी टीम से उनकी तरफ से विफल किया गया है। इसी तरीके की कोशिश आगे भी चलती रहेगी। तो हमने देखा कि बिहार कनेक्शन भी जो इस आतंकवाद के साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बिहार से भी जावेद अहमद नाम के एक शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया जो हथियारों को कहीं ना कहीं स्मगलिंग जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहा था। क्या कुछ वो पूरा मामला था और किस तरह से बिहार कनेक्शन जो है वो सामने आया? जी, उस केस में हमने एक शख्स को वहाँ से गिरफ्तार किया हुआ है, उसकी अभी पूछताछ जारी है, उस वजह से उसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे। तो इसके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि दिन दिहाड़े जिस तरह से स्कूटी बाइक जो चोरी कर रहे हैं, CCTV फुटेज में भी कई बच्चों के जो हैं वो चेहरे जो हैं वो कैद हुए हैं, क्या कुछ कामयाबी मिल पाई है उन तक पुलिस की पहुंचने को लेकर? बिल्कुल मिल पाई है। आपने देखा होगा दुमाना में कई सारे बाइक्स रिकवर हुए हैं, नगरोटा में कई सारे बाइक्स रिकवर हुए, वहाँ पर हमने आपके कुछ मीडिया के साथियों को बुलाया था। मुझे लगता है आपको टाइम नहीं मिला होगा वहाँ पर जाने का, लेकिन ये रिकवरीज हो रही है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मीडिया वो चोरी की घटनाओं को जैसे हाईलाइट कर रहा है, उसी तरीके से उसकी जो रिकवरीज हो रही है उसको भी उसी तरीके से लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों के दिल में ये एक भावना ना हो कि जो अगर चोरी हुई है तो रिकवरी हुई है। उस तरीके का जो दूसरा साइड है वो वाला भी उसी तरीके से लोगों को दिखाए। बहुत सारी बाइक्स रिकवर हुई है, अगर मैं इसी महीने की बताऊं तो इस महीने में कम से कम जो है 25 से 30 बाइक्स रिकवर हुई है जो चोरी हुई है। जो छोटे बच्चे हैं, एक ये कंसर्न है कि जो माइनर्स है, माइनर्स इसमें कुछ इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनको भी हम ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज देर आर लाइक काइंड ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं कि उनको हम जेल में नहीं भेज सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनको डील करना होता है, तो उनको सुधारने का एक प्रयास करना होता है, बिकॉज वो
छोटे बच्चे होते हैं, तो उस तरीके से भी प्रयास उसमें चल रहे हैं। अचानक इस तरह की जो चोरियों की वारदात बढ़ी हैं जम्मू के अंदर, जो खासतौर पर बाइक स्कूटी जो दिन दिहाड़े दुकान के बाहर से लोग चोरी कर रहे, ये छोटे छोटे बच्चे, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि नशा एक मुख्य वजह इसके पीछे हो सकता है, नशे की जो खुराक है उसकी पूर्ति के लिए इस तरह की चोरियाँ की जा रही है। आप कितना इससे? बहुत सारे केसेस में नशा एक वजह है, जिसमें नशे की जो चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए जो पैसे खत्म होते हैं तो उन पैसों को पूर्ति करने के लिए छोटी छोटी ये बाइक्स वगैरह चोरी की जा रही है। उसमें जो लोग लेकिन लिप्त है उनके ऊपर नज़र हमारी जा चुकी है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। नशा मुक्ति भी, नशा का कारोबार भी है, वो एक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है जम्मू में, वहीं दूसरी तरफ नशे की लत जो है वो युवाओं को लगा रहा है। पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल आप इसमें देखते हैं और किस तरह से इस पर काबू पाने की कोशिश जो है की जा रही है? रोल ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि 2-3 जो केसेस हैं जिसमें क्लियर कट बॉर्डर से स्मगलिंग हुई है और वो जो भी चीज़ें यहाँ पे आई है वो यहीं पे यहाँ के ही युवाओं के कंजम्पशन के लिए हमें लगता है थी, और इसी के माध्यम से फिर यहाँ पे सोसाइटी में एक अनरेस्ट काइंड ऑफ या युवाओं को यहाँ पे नशे की आदत में लगाना, उस तरीके का प्रयास जरूर किया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं SSP जम्मू हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू में क्राइम का ग्राफ बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है, और कई बाइक्स और कई चोरियां जो हैं इस तरह से वो सामने भी आई हैं, और कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर इस बात को भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद और नशे की लत जो है यहाँ पर लगाना चाहता है, और दूसरी तरफ युवाओं को कहीं ना कहीं युवाओं में वो जहर जो है वो बोना चाहता है, और पाकिस्तान जो है आतंकवाद को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिस पर जम्मू कश्मीर का पुलिस जो है वो पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश कर रही है। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।